नमस्कार आदाब, मैं मारुफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए न्यूज़ 24 सीमांचल में सीमांचल सहित पूरे बिहार की बड़ी खबरों को। तो बने रहिए हमारे साथ। और हां, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर नए कलवट के दोनों तरफ अप्रोच पर मिट्टी नहीं डालने के कारण एक कार खाई में गिरने से बाल बाल बचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कलवट क्षतिग्रस्त हो गया था। विभाग द्वारा पुरानी क्षतिग्रस्त कलवट को तोड़कर नई कलवट का निर्माण किया गया है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण नए कलवट के दोनों तरफ अप्रोच पर मिट्टी नहीं डालने के कारण बाइक चालक सहित कार चालकों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला मुख्यालय जाने के क्रम में कार में बैठे लोग खाई में गिरने से बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों की मदद से अनबैलेंस कार को लोगों ने किसी तरह खाई में गिरने से बचाया। जब प्रखंड मुख्यालय का ये हाल है तो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में विकास कैसा होगा, आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। बहादुरगंज के AIMIM विधायक अंजार नेमी ने उप मुख्यमंत्री एवं आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी से मुलाकात किया। रेणु देवी से मिलकर अंजार नेमी ने विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज की आपदा भुगतान राशि से संबंधित प्रमुख समस्याओं से अवगत करवाया और अन्य समस्याओं जैसे नदी के तट पर बसे गाँव को सुरक्षित करने, फ्लड फाइटिंग का काम पुख्ता करवाने हेतु ध्यान आकर्षित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने समस्या से निदान का भरोसा दिलाया। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष शाह पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने ठाकुरगंज प्रखंड का दौरा किया, जहां ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत खारुदा पंचायत के गोगरिया गांव पहुंचकर बूढ़ी कनकई एवं मेची नदी कटाव से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं मास्टर मुजाहिद आलम ने इस संबंध में ठाकुरगंज अंचलाधिकारी से बात कर पीड़ित परिवारों के हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने को कहा। मुजाहिद आलम के अनुसार नदी कटाव से अब तक 40 परिवारों का घर नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। नदी कटाव से विस्थापित भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की मांग मुजाहिद आलम ने की है। किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन ने बिहार की राजधानी पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से उनके आवास पर खास मुलाकात किया, जिसमें विधायक ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किशनगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 33 जुलजुली मुख्य सड़क मार्ग से आदिवासी टोला होते हुए लोहागाछी बंगाल सीमा सड़क तक सड़क पक्कीकरण करवाने और पोठिया प्रखंड के दामलबारी पंचायत में मवेशी अस्पताल खोलने की मांग तथा इलाके की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। इस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।